लप्पू सा सचिन और झिंगू सा सचिन कहने वाली मिथिलेश भाटी और गीता भाटी के खिलाफ सीमा हैदर के वकील एपी सिंह नोटिस भेज रहे हैं। लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए अब श्री राजपूत करणी सेना भी समर्थन में आ गई है। प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं, लीगल नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है। किस चीज़ का, मुझे तो हंसी आती है ऐसे एडवोकेट्स पे, किस चीज़ का लीगल नोटिस भेजेंगे वो? भाई कोई गाली दी है, किसी के साथ मारपीट हुई है क्या, कुछ गलत हुआ है? लीगल नोटिस तभी तो भेजेंगे भाई जब कोई कुछ उसमें गलत होगा। मुझे ये बताइए, गलत मिथिलेश भाटी जी ने क्या बोला है? ये एक साधारण सी महिला हैं और ग्रामीण परिवेश में इसको गाली नहीं, इसको एक मुहावरा बोलते हैं कि भाई हर गली मोहल्ले में इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। और अगर मान लो ऐसी ही चीज़ों पे नोटिस आने लगे, कानूनी कार्रवाई होने लगे, तो गांव खाली हो जाएंगे, सब लोग जेल में ही होंगे। कानूनी कार्रवाई ऐसे शब्दों पे होती है कि जो शब्द खुद उन वकील साहब ने महिलाओं के लिए बोले हैं, देश की सम्मानित महिलाओं के लिए, ना किसी विधायक की महिला को बख्शा है, ना किसी अधिकारी की महिला को बख्शा है, ना उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को बख्शा है, तो कानूनी कार्रवाई तो उन एपी सिंह के ऊपर बनती है और उन्हें करणी सेना बताएगी कार्रवाई क्या होती है। मैं भिजवाऊंगा उनको कानूनी नोटिस और मैं पूछूंगा कि जो भाषा का इस्तेमाल तुमने किया है ये क्या है, उसका बताएंगे मुझे डेफिनेशन के क्या है जो तुमने बोला है। 13 तारीख को उन्होंने झंडा रोहण भी करवाया था, बाकायदा राष्ट्रगान भी गवाया था, उसके बाद वो खुद पकड़ के उनको नीचे लेके गए थे। तो इसमें कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को किस तरीके से नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में झंडा 13 अगस्त 14 अगस्त को ही फहराया जाता है, तो सीमा हैदर 13 अगस्त को झंडा फहरा रही है तो इसमें कौन सी नई बात है भाई? वो तो परंपरा है पाकिस्तान की। और एपी सिंह को क्या अधिकार है उस महिला का हाथ पकड़ के ले जाने का? एपी सिंह किस अधिकार से उस महिला का हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, वीडियो में देखा जा रहा है। खुद उनको शर्म नहीं आती है, दूसरी महिलाओं पर कीचड़ उछालते हैं और अपने गृहमान में झांक कर नहीं देखते हैं भाई? वो गैर कानूनी तरीके से आई हुई है, गैर कानूनी तरीके से रह रही है, सारा जांच एजेंसियां उसके पीछे लगी हुई हैं, जांच कर रही हैं, सरकार जांच करा रही है, तो हमें उस पर इंतजार करना चाहिए कि सरकार क्या करना है उसको सरकार करेगी। लेकिन ये जो समाज में जहर घोलने का काम किया जा रहा है, करणी सेना इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और हमारे क्षेत्र में इस तरह का जहर घोलने का कोई सामाजिक द्वेष फैलाने का काम करेगा तो हम उसको उसी भाषा में जवाब देंगे। करणी सेना आपके समर्थन में आ चुकी है जी, लीगल नोटिस की भी बात की जा रही है जी, की तो जा रही है। तो कैसे जवाब देंगे? पहले नोटिस आने तो दो भैया, जवाब देखेंगे बाद में, हमारे वकील साहब देंगे। आप पर आरोप भी ये लगा रहे हैं कि क्या आपने बात करी है उनसे, माफी मांगने की बात कही है? किससे मांगी है? एपी सिंह की तरफ से फोन आया था। एपी सिंह जी मांग रहे थे मेरे से माफी? मैंने तो कोई फोन ना किया। आपने नहीं किया? मैंने तो ना किया। वो मांग रहे थे क्या मेरे से माफी? आपने माफी मांगी? मैं तो ना मांग रही। अच्छा। हो सकता है उन्होंने मांगी हो। नहीं मांगी आपने, माफी नहीं मांगी ना? नहीं। इस पर और भी बात करने के लिए वकील साहब हैं करणी सेना की तरफ से, और इनका आप बताइए, ये नोटिस आ गया है या नहीं आया? अभी तक कोई नोटिस यहाँ रिसीव नहीं हुआ है, जब आ जाएगा तब उनका जवाब दे देंगे हम। अच्छा। उनके नोटिस का, एपी सिंह का नोटिस जैसे ही आएगा हम उसका जवाब देंगे। अभी नोटिस नहीं आया? अभी नोटिस नहीं आया है। तो किस तरीके की तैयारी करेंगे? नोटिस आए पहले फिर उसी तरीके की, जैसे उन्होंने अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है, हमारे देश की महिलाओं का, सभी महिलाओं का उन्होंने अपमान किया है। जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है कि अधिकारियों की पत्नियां भाग जाती हैं नौकरों के साथ, या नेताओं की पत्नियां भाग जाती हैं नौकरों के साथ, इस तरह की जो अमर्यादित भाषा है, और एक उन्होंने जो मर्दानगी टेस्ट की बात करी है, वो एपी सिंह की मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने सारे अधिवक्ता समाज को उन्होंने दोषी ठहराने का काम किया है कि कहीं ना कहीं इससे जो अधिवक्ताओं की गरिमा है उसको लोगों की दृष्टि में ठेस लगेगी, उन्होंने ठेस पहुंचाई है, इसका उन्हें खामियाजे भुगतना पड़ेगा हर हाल में। और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उन्होंने इन सब तरह के आचरणों का उपयोग किया है। मुझे नहीं लगता कि जो नागरिकता की है उसकी बात कर रहे हैं, ये सरकार का काम है, जांच एजेंसियों का काम है। अगर हर आदमी ऐसी नागरिकता मिलने लगे तो जो हमारे यहाँ माइग्रेट होके बहुत समय पहले हिंदू यहाँ आए हैं, जो पलायन करके पाकिस्तान में पीड़ाएं झेलने के बाद यहाँ आए हैं, तो अगर ऐसी बहुत आसानी से नागरिकता मिल जाती है तो एपी सिंह ने उन हिंदुओं को जो यहाँ पड़े हैं पिछले कई सालों से, उनको क्यों नहीं दिलवा दी? आप अपनी तरफ से क्या एपी सिंह को नोटिस भेजेंगे जो जिस तरह का अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है? उनका नोटिस अगर आ जाता है
तो हम अगर नहीं आता उसके बाद आप हम उस पर हम उन्हें देंगे नोटिस, हर हाल में देंगे। जो नोटिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, हमारी महिलाओं को अपमानित किया है, हमारे यहाँ महिला को, देखिए सृष्टि की जननी है हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, ये भी तो महिलाएं हैं, और हमारे यहाँ महिला को देवी का दर्जा दिया जाता है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। तो उन्होंने हमारी सभी महिलाओं का, हमारी सभी माओं का, जो सृष्टि की जनक हैं, उनका सबका अपमान किया है। इस पे हम उन्हें नोटिस जरूर देंगे, और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना पूरी तरह से घोर निंदा करती है एपी सिंह की। गीता भाटी भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइए एपी सिंह के द्वारा लगातार मीडिया में आके कहा जा रहा है कि हम नोटिस भेजेंगे, नोटिस भेजेंगे, क्या नोटिस अभी तक आया है? भैया अभी नोटिस नहीं आया है, हमारे अधिवक्ता भी सब वेट कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं, आएगा तो उसका जवाब ये लोग देंगे। ये भी सभी लोग उन्हीं के तरह, उनसे कई ज़्यादा ज्ञान रखते होंगे, प्रैक्टिस ये रोज करते हैं, वो ये लोग समझते हैं भला बुरा, तो ये देखेंगे उस चीज़ को। आरोप ये भी लग रहा है कि आपने या मिथिलेश भाटी जी ने एपी सिंह से फ़ोन करके माफ़ी मांगी है कि नहीं हमसे गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा आरोप लग रहा है? ये गलत चीज़ है, झूठ बोल रहे हैं वो, मैं इसका खंडन करती हूँ। 13 अगस्त को वो सीमा हैदर के साथ झंडा फहराने के बाद यहाँ से गए, और मेरे यहाँ मनोज कुमार नाम के पत्रकार मेरे घर आए थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एपी सिंह जी बहुत अच्छे आदमी हैं, तो मैंने कहा ठीक है अच्छे होंगे, भी मैं किसी पे कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहती। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा आप मिलेंगी उनसे, मैंने कहा नहीं मैं क्या करूँगी मिलके, नॉर्मल मिथिलेश थी मेरे साथ, लेकिन बात मुझसे हो रही थी, कोई मिथिलेश से बात नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने फिर भी फ़ोन लगाकर अपने फ़ोन से, मनोज कुमार जी ने ज़बरदस्ती अपने मन से फ़ोन लगाया और लगा के मेरे कान पे रख दिया कि लो बात तो करो आप। तो मैंने उनसे बात की, नमस्कार हुई, राम राम हुई, उन्होंने भी मुझसे राम राम की, बहन भाई बोला गया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि और बताइए, तो मैंने उन्हें कहा कि भैया आप बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो जब सोशल मीडिया पे आप बात करते हैं तो थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखिए। आप जो ये कह रहे हैं कि काठमांडू में मर्दानगी टेस्ट करने आई थी, आप भाई हमारे बड़े भाई हो, आप हमारी बेटियों को क्या सिखाना चाहते हो, आप हमारी बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करवाना चाहते हो, आप ये कहना चाहते हो कि गैर मर्दों के साथ पहले जाके जाएं और उसके बाद फेरे लें, आप हमारे संस्कृति को क्या क्या दिखाना चाहते हो, ये हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति पे कलंकित करना चाहते हो। उसके बाद उन्होंने अपना शुरू कर दिया, जैसे वो मीडिया पे शुरू हो जाते हैं कि तुम्हें नहीं पता है अधिकारियों की बीवी ये वलाना, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, उन्होंने कोई बख्शा नहीं। उसके बाद मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं नहीं सुन पाई, मैंने वो फ़ोन उनको पत्रकार महोदय को दे दिया। कोई माफ़ी नहीं, गलत किया नहीं, ये था सारा मामला, जिसे वो अपना रंग देने के लिए तरोड़ मरोड़ के, अपनी कायली दूर करने के लिए मिथिलेश के नाम से एक वीडियो पे वायरल चल रहा है कि माफ़ी मांगी। कोई माफ़ी नहीं, कभी माफ़ी नहीं, ना गलत किया है ना करेंगे। माफ़ी मांगेंगे तो एपी सिंह मांगेंगे, सीमा हैदर मांगेगी जो देश की अपराधी है, हमारी देश की एजेंसियाँ उसको क्लीन चिट अभी नहीं दी हैं, जाँच जारी है। क्या होगा कल, ऊंट किस करवट बैठेगा, हमें नहीं पता, ये हमारी सरकार को पता है। बिल्कुल, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से दोनों तरफ से लीगल नोटिस देने की बात की जा रही है, उसके साथ साथ अब एक नई कड़ी इसमें जुड़ चुकी है, श्री करणी सेना, राजपूत करणी सेना भी इसमें शामिल हो चुकी है और समर्थन में उतर चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये जो कहानी अभी और आगे बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन निशांत के साथ अंशुमन यादव, TV9।